हेलो दोस्तों, वेलकम टू जागरण जोश। मैं हूं निधि मित्तल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे UPPSC कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जाना होगा JagranJosh.com की वेबसाइट पर। आपको होम पेज पर सर्च का बटन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा और टाइप करना होगा UPPSC कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020। ये आपको लेकर जाएगा UPPSC कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेज पर, जहां पर आपको टॉप पर ये नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अगर इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। फिलहाल UPPSC ने 712 वैकेंसियों के लिए घोषणा की है। आप इन वैकेंसियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर, भूमि संरक्षण अधिकारी, टेक्निकल ऑफिसर और अन्य पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करेगा। आप इन वैकेंसियों पर 27 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस आर्टिकल को नीचे देखेंगे तो इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी मिलेगी, जिसमें आपको लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 27 जनवरी है। आप इन वैकेंसियों पर 27 जनवरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस आर्टिकल को नीचे की ओर देखेंगे तो आपको इसमें वैकेंसी ब्रेकअप मिलेगा कि आपको पता चलेगा कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकली है। अगर आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 712 है, जिसमें जनरल रिक्रूटमेंट के ज़रिए असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की जाएगी, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर जैसी पोस्ट आती हैं। इसी तरह यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप भी इंजीनियरिंग ब्रांच में 12 वैकेंसी निकली है। भूमि संरक्षण अधिकारी, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 31 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी के लिए 21 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। इसी तरह स्पेशल रिक्रूटमेंट के जरिए असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाटर बी कैटेगरी, जलकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 20 वैकेंसियां निकली हुई हैं। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री हो। वहीं अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपने 12th साइंस से पास किया हो। इसी तरह अगर आप पंचायती राज डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग की वैकेंसी पर अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ली हो। यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ली हो। दोस्तों, आप इस आर्टिकल के ज़रिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको इस आर्टिकल में दिए हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। ये आपको लेकर जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF पे। इस PDF के ज़रिए आप सभी एसेंशियल डिटेल दे सकते हैं, जैसे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अदर डिटेल्स अबाउट द पोस्ट। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको बस इस रेड मार्क पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह आप इस आर्टिकल के ज़रिए डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको बस ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। ये आपको लेके जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के पेज पर, जहां पर आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह ही आप अगर नीचे देखेंगे तो यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको इस पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपने UPPSC के किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर पहले आवेदन किया है तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर नहीं किया तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये आपको लेकर जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर। आपको इसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं आपको उसे फिल करना होगा। आप इसे फिल करने के बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू करके आप इसे देख सकते हैं और ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इसी तरह आप ऑफिशियल वेबसाइट को भी इस आर्टिकल के ज़रिए विजिट कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, फिर आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जनवरी तक ओपन है। आप इसके लिए 27 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डाउनलोड करें सरकारी नौकरी ऐप। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहें www.jagranjosh.com।